आपको, आपको और आप सबको इमरान अशरफ की तरफ से, दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाक रात की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जब मैं घर से शो की तरफ निकला, गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा था, जरा एंजॉय कर रहा था, अचानक से मुझे पिछली गाड़ी से हॉर्न की आवाज आई, पम 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 पम। अचानक से वो हॉर्न एक खौफनाक आवाज में बदल गया, पम। खैर मैंने कोशिश की, मैंने गाड़ी को साइड पे किया, मुझे लगा कि भाई वो रास्ते से गुजर जाएंगे, वो मेरे बराबर में आए मेरे और आगे कहने लगे, ओए गाड़ी साइड पे ला, अड्डा दो गाड़ी साइड पे ला। मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, अब वो भाई गाड़ी से निकल के मुझसे लड़ने लगे, ओए तू समझना की है अशरफ अवानी रोड़े, तू करना की मैं। अब उसकी गाड़ी में उसका छोटा भाई साथ निकला है, वो एक अलग टेंजेंट पे चल रहा है, फोन निकाल के कह रहा है भाई एक सेल्फी के साथ। वो मुझे ना नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने लगे जो किसी के लिए करने नहीं चाहिए इस दुनिया में। अब मैं उन्हें जवाब दूं या इधर, कहता है भाई वीडियो में बोले ना, मैं कहा क्या बोलूं, कहता है मेरे दोस्त की शादी है उसे कह दे बेस्ट ऑफ लक। मैं कहा शादी ली केड़ा बेस्ट ऑफ लक यार। हाँ मुझे भी गुस्सा आया, मैंने अपने अल्फाज तो साफ रखे लेकिन थोड़ा सा मैंने भी अपनी आवाज को ऊंचा किया और मैंने कहा की होया है पाजी, की होया है, की गलती होगी, तुम रस्ता देते दिता है, क्यों एडा उच्ची बोल रहे हो तुसी, केड़ा कोई जरूरी काम है तुहानू। तो मुझसे कहने लगा तैनू नहीं पता यार मैं घर जाके सोना है। कहना सिर्फ आप लोगों से ये था कि पूरी दुनिया में जितने भी महजब माशरे हैं वहां हॉर्न को बेइज्जती समझा जाता है, बैन है हॉर्न्स हमारे माशरे में ना। ये जो चीखो पुकार है इसकी शुरुआत शायद हॉर्न से ही होती है कि हम लोगों को अब अपना हक लेने के लिए भी चीखना पड़ता है। तो जरा आराम से एक दूसरे से बात करेंगे ना तो बात आराम से हो जाया करेगी। मजाक रात में दुनिया न्यूज पर इमरान अशरफ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। शेरा मेरे दोस्त को इज्जत और एहतराम से यहां से ले जाया जाए। अपनी किड्डा क जरूरी काम है, अगे जाके वेखे ते बांदर दा तमाशा वेखण दे। पाकिस्तानी मसरूफ लोग ने तुहानू पता सारी दिहाड़ी वेले रहना, फाटक टप के लंघना है ना। अखीर जोर इंज करके वजे पुल दे नाल। अच्छा। मैं के जिसे पहुंचना सी पहुंच गए। इसी तरह मैं गड्डी जा रहा मोटरसाइकिल करके मेरे ना जोड़े है। अच्छा। मैंने कहना भाजी लैट हॉस्पिटल कितने, मैं इतो किसी से वज उन्होंने तेन आप ही ला जाना। हमारे आज के मेहमान दो जोड़ी जोड़ी। वाओ। हमारे मुल्क में ना अगर सबसे गलत सीवी किसी प्रोफेशन की बनती है तो वो शायर है। ओहो शायर, क्या अगर शायर का किसी से पूछ ले या ये जानना चाहें कि वो कैसे होते हैं तो सबके जहन में ये आता है कि पुराने कपड़े, आंखों के नीचे हल्के, आधी सिगरेट जली हुई जो दोबारा भी जला लेते हैं। बिल्कुल सही। जब मैंने इस शायर को देखा, पहले सुना, ये वो शायर है जो कानों के रास्ते सीधा मेरे दिल में उतरा। वाह वाह। वो सिर्फ शायरी नहीं थी, इस शख्स की आदत, इस शख्स की मोहब्बत, इस शख्स की सच्चाई, ना सिर्फ इसके काम के साथ बल्कि दोस्तों के साथ। ये सिर्फ शायर नहीं है, मैं इसको दोस्त नहीं कहूंगा, ये मेरा यार है, ये मेरा यार है और मेरी नजर में इस वक्त का मेरी नजर में सबसे बड़ा शायर है अली ज़रियून साहब।
ये आपके दोस्त हैं यार, तो हमारे इज्जत की जगह, वैसे भी हमारे गेस्ट हैं। वेलकम जी आपको शो में, खुश आमदीद। अरे भाई बहुत अच्छा लगा आपको आज रूबरू देखा। एजाज है आप जैसे बड़े आर्टिस्ट के सामने बैठना, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह जी सोने लग रहे, लगता डिफेंस दे वारिस साहब आए ने। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੌਨ ਵੇਲੀਆ। ਉਹ ਜੌਨ ਵੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਜੌਨ ਵੇਲੀਆ। हमारी दूसरी मेहमान, इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन शायद मैं किसी और तरह से करवाऊंगा। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। इनका पहला ड्रामा था मेरे साथ, मैं उस ड्रामे का हीरो था। वाह। जब शूटिंग हो रही थी तो ड्रामे में जितने भी किरदार थे, जो 100-150, उन सबके सबका एक ही काम था, सारे टीचर बन गए जनाब। सब इस लड़की को अदाकारी सिखाने की कोशिश कर रहे थे। ओए होए। रोल बहुत बड़ा था इनका। जब वो ड्रामा आया तो वो ड्रामा पाकिस्तान का अभी तक तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी रेटिंग हासिल करने वाला ड्रामा है। और अगर अगर उस ड्रामे को याद किया जाए तो जो सबसे ज्यादा मशहूर और कन्विंसिंग किरदार था वो नाजिश जहांगीर ने प्ले किया था। नाजिश सखावत लफंगे, मैं उन्होंने फिल्म देखी सी। थैंक यू सर, चले आपने देखी थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने वो फिल्म देखी थी। अच्छा। और वो अच्छी फिल्म थी एक। उस लफंगे के लिए तालियां प्लीज। तो मैंने बात बदल दी गले लगा के उसे। क्या? तो मैंने बात बदल दी गले लगा के उसे, दुरुस्त शख्स गलत बात पे अड़ा हुआ था। आप दोनों का बहुत 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 दिलो जान से शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया दुनिया न्यूज में, मज़ाकरात में आप लोग आए और ये रौनक लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या उनका शेर सुनाया तुसी उन्हां दी मौजूदगी च, ते अली भाई दी इजाजत ना मम्मी एक शेर सुनाना चाहूंगा। सुनाओ 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 सर। बिस्मिल्लाह। बन के मैं वो शहयात मुझसे कार्ड फीड कराती रही। ओ, क्या बन के मैं वो शहयात मुझसे कार्ड फीड कराती रही, जब मुलाकात हुई मैं वश नहीं सिर्फ हयात थी। अली जरीन साहब, ये जो पूरा जमाना ये बात सोचता, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी कहना चाहती थी, पर आप कहें पहले। दो में कट्ठे कह दो, जी कबूल कर लेंगे। मैंने कोई एतराज नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। और इस सेट के ऊपर मुज़ाकरात की जो टीम है, आप लोग तो माशाल्लाह हैं ही, हमारे स्टार हैं। लेकिन इमरान, तुम्हारा जो होना है वो इंडस्ट्री के लिए एक बरकत का बायस है और मुज़ाकरात के लिए बरकत का बायस है। मैं दुनिया टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, दुनिया टीवी ने मुझे ये मौका दिया। शायद ये हालात आजकल तंग लग रहे ने पायन। नहीं नहीं सर। तो वाल क्यों नहीं कटाए फिर? सर जी तुसी 6 साल तो एक वेस्टकोट च आ सकते हो, तो मैं वाल नहीं वड़ेगा। यार खूबसूरत लग रहे ने माशाल्लाह, एडे प्यारे वाल। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਮਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ? ਮੇਰਾ ਹਮਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੀਪੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। मोहब्बत का इजहार करने में आपको जितनी आसानी होती होगी किसी को नहीं होती होगी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मोहब्बत का यकीन दिलाने में आपको शदीद किस्म की दुश्वारी होती होगी? क्योंकि जिससे भी मोहब्बत करेंगे या जिससे भी रिश्ता जोड़ने लगेंगे, क्या ये बात उसके जहन से कभी निकलेगी कि ये तो एक शायर है, इसका कहीं ना कहीं दिल टूटा है, या आज भी ये उसे भूल पाया है या नहीं? क्या करेंगे इसका? लोग किसी का दिल तोड़ के जाते हैं, उसका सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि जो बाद वाला सच्चा होता है ना, उसे अपनी गवाही के लिए अपने खून से कुछ लिखना पड़ता है तो वो बंदा मानता है। क्या बात, क्या बात। नाजिश,
अदाकारी भी की, मॉडलिंग भी की, दोस्तों के साथ चुगलियां भी की, सब कुछ किया, नफ्सियात भी पढ़ी है आपने। कुछ रह गया जिंदगी में जो करना चाहती हैं? बहुत कुछ है। कोई एक बात तो बताइए। मुझे लगता है इमरान कि मुझे अपनी जिंदगी में ना, जब तक मैं जिंदा हूँ और सलामत हूँ, बस इमरान जो भी करना है प्रोडक्टिव करना है, चाहे वो अदाकारी है, चाहे वो इस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी है, आउट ऑफ दिस फील्ड है, आई जस्ट वांट टू बी अ प्रोडक्टिव। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी प्रोडक्टिव थॉट। एक शेर आपके लिए। बिस्मिल्लाह। यार उन्हों को सुनने के ऐसे सुनाने ने उन्हों दी तो पूरी दुनिया सुनती, साडी तो सुनता ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। इरशाद वर्ज कीता। वाह 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 कुछ बोलिया नहीं तो मजमा भी लुट लिया जनाब। मैं ओदी कुछ भी नहीं, ओ भी मेरा कुछ नहीं। मुझे किसी ने ये बात कही थी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सोशल मीडिया का वक्त आ गया है, टैब्स आ गए हैं, फोन आ गए हैं, मेरा मोहसिन कलम थोड़ा थोड़ा बेरोजगार होने लगा है। क्या बात, क्या क्या इसके बारे में? क्या बात, चीज़ें बदलती हैं इमरान। जैसे किताबत होती थी, अब उसकी जगह कंप्यूटर का दौर है, तो किताबत लिखने वाले करने वाले लोग अब बड़े कम रह गए हैं। लेकिन वो जो कागज़ की एक महक है, वो जो लोग जानते हैं, वो आज भी किताब से उतने जुड़े हुए हैं, सफ़े से जुड़े हुए हैं। मेरा तो दिन ख़त्म नहीं होता जब तक मैं अपने कमरे में बैठ के लिख नहीं लेती, और वो लिखना कुछ भी हो, या तो अपने दिन के बारे में हो, या उस पूरे दिन में मैंने कौन सी खुशी पे हंसी हो और किस दर्द में मेरी आंख से आंसू निकला हो, वो उसमें लिखा होता है। हमारे एक दोस्त हैं जुल्फिकार आदिल, उनका शेर मुझे याद आया, मैं उनका शेर सुनाता हूँ कि खोलिए दिल की डायरी आदिल, देखिए आज कौन सा गम है। देखते रहिए मुज़ाकरात, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कलेजा मुंह को आया जा रहा है, जो बिजली बम गिराया जा रहा है, निकल आए हैं मुश्किल दौर से हम, हमें कब से बताया जा रहा है, बुजुर्गों ने सुना था रेडियो जो लिया उसका किराया जा रहा है। हाय हाय आ खुशामदीद, मज़ाकरात में आपको, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको हम सब से मोहब्बत है, ऐसे ही आते रहिए, कभी रुकिएगा मत। मज़ाकरात में खुशामदीद। वो कौन है जो नाजिश की आंखों में आंसू ले आता है, जो इस वक्त पूरे मुल्क के होंठों पे मुस्कुराहट बिखेर रही है, कौन है वो, बताइए जरा हमें भी। अम्मा जी, एक वाहिद वही हैं जिनकी वजह से कभी बैठे बैठे मैं हंस भी पड़ती हूँ, और एक वाहिद वही हैं जिनकी वजह से मैं बैठे बैठे रो भी पड़ती हूँ। अली भाई, मैंने गलत है दसो दूसरी जरा, इतनी सीरियस शायरी, इतनी खूबसूरत लफाजी, इतनी गहरी सोच, कभी कमर्शियली कोई ऐसी ऑफर आई है आपको कि कोई फ्रिज वाला आ गया हो तो कि साढ़े दस शेर लोग, हमारी बर्फ बड़ी जबरदस्त है, हमारी बर्फ कभी ना टूटे, पांच मिनटों में जम जाए, ऐसी कोई बात हुई कभी? यार बहुत सारी ऐसी जो है वो ऑफर्स आती हैं, और मेरा ख्याल है कि हर आर्टिस्ट को ही आती हैं, जो भी, चाहे वो कलम से ताल्लुक रखता है, चाहे वो स्क्रीन से है, तो कमर्शियलिज्म तो आपके साथ साथ घूम रहा है ना, कि जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मेरे लिए, ऑक्सीजन मेरी मोहब्बत है, मेरे लोग हैं, वो प्यार है जो मुझे मिलता है, और वो सच्चाई है जो वो समझते हैं कि ये सच लिखता है। तो मैं तो चाहे मुझे जितने भी मर्जी, जितनी भी कोई बड़ी से बड़ी ऑफर कमर्शियलिज्म की आ जाए, मैं तो उसकी तरफ नहीं जा सकता। कैसे नाज़िश ही सही दिल दुखाने के लिए आ नाज़िश ही सही। क्यों अच्छा,
मैं ये पूछता हूँ कैसे? अली भाई को इजाजत ले दी होंगी फिर शेर सुनाई दी होंगी। अली भाई बैठे ने, बड़े सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा वो नाल दे अली भाई ने, वो नाजी साहब वाले एडी जरूरतमंद है ना, देखना उधर होता ध्यान उधर होंगे जरूरतमंद का जवाब नहीं भाई ने वाल कटा लो, लगता दो भैनों का इंटरव्यू है। मैं कह रहा हूँ सर इजाजत है सर, बाजू होते हैं भाई, भाई का दुश्मन कैसे हो जाता है? जो साथ भाई है तो दुख नहीं दिखाई दिया। कैसा कैसा कैसा? जो साथ भाई है तो दुख नहीं दिखाई दिया, वो खुश नसीब है जिसको खुदा ने भाई दिया। क्या 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 कहने? और जो वो खुश नसीब है, भाई मुझको जान से भी प्यारा था, आज उसकी बात ने सदमा है इंतहाई दिया। अब फैसल तू भाई से रिश्ता निभाई जा, बुड्ढी वांगू अज मैनु सजना उड़ाई जा, उड़ाई जा, उड़ाई जा, उड़ाई जा। मैनू लगदा तेरी अंदरली सारी अशिया रो रही है। अशिया मेरी मेरी अशिया दैट्स ऑल। जब दोनों भाइयों को एक ही बर्तन में खाना खिलाती है, वो भाई बड़े होके बर्तन अलग कर लेते हैं। भाई जी मैं तू रोया लगता बर्तन अलग नहीं हुए, बर्तन तोड़ के ही चला गया। तेरा शेर नहीं मैंने लड़िया, मेरी चाह ठंडी हो गई। बिल्कुल मैं यही कहता हूं, एक ही बर्तन में खाने वाले भाई बड़े होके अलग अलग बर्तन कर लेते हैं, उस घर में खेलने वाले दरमियान में दीवार खड़ी कर लेते हैं। इस पे भी मैंने लिखा है दीवार पे बह के। भाई जिंदगी की हकीकत तू है, तू मेरा लहू मेरी विरासत तू है, ये जायदाद वार दूं तेरे सर से मैं, तू बाजू है मेरी इज्जत तू है। हिस्से की बात पे ना करूंगा कोई मुकालमा, तोबा तोबा करा दी तू जालमा। अच्छा अली भाई ये शेर सुन के ना सोच रहे ना यार इलेक्ट्रीशियन का काम ठीक है। तुझको कंधों पे उठाना चाहता हूँ भाई के लिए, भाई के लिए तुझको कंधों पे उठाना चाहता हूँ भाई, मैं बचपन में जाना चाहता हूँ। गाया करते थे जो बैठ के दोनों, आज वो गीत गाना चाहता हूँ भाई। तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मौजूद है तेरे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहिए मजाकरात। अरे आइए 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 आइए, आपकी वापसी का बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद टू मजाक रात। अली साहब ऐ मेरे दिल के साहब, सर मेरे भाई जाने मन, बना के लिखते हैं या बन कर लिखते हैं? अरे हो के लिखता हूं, हो के लिखता हूं। मुझको सहारा था तुम्हारा, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा। ओ, 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 क्या गाने, क्या गाने, दुनिया का नहीं
मुझको सहारा था तुम्हारा, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा, अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, पहले तो मेरी समत इशारा था तुम्हारा। तुम जिसकी जुदाई में गले मुझसे मिले थे, देखा तो वही शख्स दोबारा था तुम्हारा। एक बात और है, शायद ये हमारे ऑडियंस भी शायद जानते हों, नाजिश भी लिखती हैं। अच्छा जी, अरे लिखती हैं। वो तो नाजिश को लगता है अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चूंकि इनकी अदाकारी बहुत मुझे पसंद है और इनकी कुछ चीजें मैंने पढ़ी, एक बार उन्होंने डिप्रेशन पे लिखा था। आप कहाँ पढ़ी आपने? इंस्टाग्राम पे, ऑफकोर्स। क्योंकि लावा भी मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट है, बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ के हवाले से लिखती भी है। अच्छा, व्हिच इज वेरी गुड थिंग। बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है उस हवाले से और बड़ा इन्होंने खुल के लिखा है डिप्रेशन के हवाले से। थैंक यू जी, अगर आप लिखती हैं तो आप भी कुछ अनायत करें। सर मेरी शायरी थोड़ी सी उदास टाइप होती है। असि केड़ा मोटे से पंगूठे ला के बैठे। अच्छा हो जा मजा ना, ये शेर सुनया फड़िया भी जांदा जिवें है भी फजूल जे शेर तो दाद दे के अरेस्ट होया। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस थोड़े से मान टूटे हैं, थोड़े से ख्वाब टूटे हैं, थोड़े से लोग बिछड़े हैं। हुआ तो यूं कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी नींदें उड़ गई हैं, थोड़ी सी खुशियां छिन गई हैं, थोड़ा सा चैन भी गवाया है, अपना भी गवाया है, आंखों को बरसना सिखाया है, मोहब्बतों का सिला पाया है। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस किसी अपने ने रुलाया। मतलब ये है कि हुआ कुछ यूं कि ना जाने क्या हुआ। हुआ तो कुछ भी नहीं, चोर आए थे सारा कुछ ले गए, हुआ तो कुछ भी नहीं। नाजिश मैंने भी शेर कहा है, अरे घर से निकलते हुए, हुआ तो कुछ भी नहीं, बस थोड़े से बर्तन ही टूटे, एक अदा रोबड़ा ही पिया। मैं बहुत अच्छा शेर तुझे सुनाया, सखावत अपनी सीनी ते लिखा ली। एक बंदा टांगे तो डिगा, फिर ओनू सट ला गई। तीसरी बिल्डिंग एक बंदा खलोता, अच्छा ओनू थले एक बंदे ने आवाज मारी, कहिंदा रफीक तेरा पुत्र खूह च डिग पिया। ओनू उतली बिल्डिंग तो छाल मारती, पहली बिल्डिंग लंघिया तो याद आया मेरा तो विआह ही नहीं होया। दूजी बिल्डिंग लंघिया याद आया मेरा तो बच्चा ही कोई नहीं। थले वजा तो याद आया मेरा नाम तो रफीक भी नहीं। तू चला जा पंजाब, ही इन्हों नहीं समझ आती है। मेरे दोस्त आज मेरे लिए कुछ कहो ना। पहले पहल लड़ेंगे तमस्कर उड़ाएंगे, पहले पहल लड़ेंगे तमस्कर उड़ाएंगे, उड़ाएंगे जब इश्क देख लेंगे तो सर पर बिठाएंगे, सर पर बिठाएंगे।
तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या, हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। तेरे दोस्तों के भी नखरे। क्या एक शेर पेश कर रहा हूँ कि ये एहतमाम और किसी मैं अगर कहें तो मैं अगर आप पेश कर रहे हैं तो फिर मैं यूं भी रिसीव कर सकता हूं। मैं यूं भी रिसीव कर सकता हूं। आइए 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 शेर पेश कीजिए। तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या, क्या हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। ये एहतमाम और किसी के लिए नहीं, ताने तुम्हारे नाम के हम पर ही आएंगे। ये सच्ची बात है, मेरा दोस्त कह रहा है, ये कोई मेहमान नहीं है। और मेरा वो दोस्त थे जो कितने नेड़े हुए थे, बंदा लड़ भी पैंदा कि कोई नहीं आवे। अच्छा शायर वैसे बड़े औखे औखे लफ्ज लभ के लिया ने, पुराने कई शायर सन जेड़े एवं शेर मोहब्बत में दिले जफा गुल कुल बुलबुल जफा होती है बारिशों में नमी पत्तों की मानदन की नफा। एक अरशियन सुनांडे होए ना ए बच्चे ए बीबी ने कहने ने अम्मी अबू को कुछ हो गया पता कुछ हो गया आयशा 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 ढूंढ लिया कुछ पूछिए। मैं सर से पूछने जा रही थी कि आपका नाम बहुत डिफरेंट है, क्या मतलब क्या है इसका? ज़रियून का ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है बेसिकली आयशा, और फारसी में भी ये आया। इसके दो तलफ़ुज़ हैं, एक जाल के साथ एक ज़े के साथ जो मैं करता हूँ। इसका मानी है खालिस तरीन सोना जो अभी रॉ हो। तो यार ये तनोसे भी कह सकते हैं अली 24 कैरेट कह सकते हैं। ये मेरे दोस्त है कि मादुल मलिक भाई, वो मुझे कहते हैं। अच्छा वो कहते हैं कि आप तुम जो हो ना वो तो ये चौधरी शाहिद महमूद साहब कौन है? चौधरी शाहिद महमूद वैंस। वैंस वाह ओए मतलब पूरा ना आएगा कि इंशाल्लाह एमपी। देखते रहिए मज़ाकरात, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दुनिया न्यूज की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से इमरान अशरफ का आपको वेलकम बैक। अली जी जाने मन जाने बहारा रश के चमन, तो कुछ सुना दीजिए। सब सबकी आंखें इंतजार कर रही हैं कि कब आपके अल्फाज उनकी समात तो कुछ हुए। खुदा ने दी है जो तौफीक, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। वाह वाह वाह, अगर गलत हूं मुझे ठीक क्यों नहीं, ठीक क्यों नहीं करते। खुदा ने दी है जो तौफीक, क्यों नहीं करते, अगर गलत हूं मुझे ठीक क्यों नहीं करते। मेरे जहान को बर्बाद कर गए हो तो अब मेरे मलाल की तस्दीक क्यों नहीं करते। मेरे मलाल की तस्दीक क्यों नहीं करते, ये जिसको टेक्स्ट पे हर दम गले लगाते हो तो सबके सामने नजदीक क्यों नहीं करते। नाजिश यकतरफा मोहब्बत, पहली मोहब्बत या बार बार मोहब्बत? पहली मोहब्बत। वैसे हम लोग कितने दुखी लोग हैं, तो हम सब भी खुश हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। हम आज हुए हैं यकीन। अच्छा नाजिश हम पहले बहुत दुखी हुआ करते थे, आज भाईजान नु देख के खुश हुए ने। हाँ तेरी। मैं नाजिश है, बस एक सवाल है मेरा कि मोहब्बत में धोखा मर्द ज्यादा देता है या खवातीन? सर मुझे नहीं पता, दोनों तरफ से कभी ऐसा। हाँ, कोई भी जिसका दिल करे तो 5 मिनट के अंदर चेहरे बदले जाते हैं। बदले जाते हैं। अरे वाह वाह, अब तो 5 मिनट के अंदर चेहरे बदले जाते हैं। जीवन मिट्टी हो जाता था, एक मोहब्बत होती थी। हनी गया कहना जी प्लास्टिक सर्जरी करानी, कितने पैसे? कहना 1.5 लाख रुपया होगा। कहना जी प्लास्टिक मैं अपना दे दूंगा। अच्छा एक सवाल तो मैं नाजिश कर चुका हूँ अली साहब से। हाँ। अली जान से, मेरी जान से। वाह वाह, वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी शायर का रिश्ता आया या मोहब्बत का पैगाम आया तो आप तो ये नहीं सोचेंगे कि इसका तो दिल टूट चुका है, हो सकता है ये कभी उसकी यादों से बाहर ना निकले आप? नहीं तो आप शायर से शादी कर सकती हैं? सर मुझे किसी के भी माजी से लेना देना ही नहीं है। बड़ी खूबसूरत टाई पहनी हुई है, क्या नाम है?
अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो आप? जी। क्या पढ़ाते हो? कॉमर्स सब्जेक्ट सर। माइक उठे ही रखो, थल्ले को ले जान दे जी। कॉमर्स। कॉमर्स। क्या सवाल पूछना चाहते हो? मेरा क्वेश्चन सर से है कि हर एक इंसान के लिए बेस्ट पर्सनैलिटी होती है, तो सर एज अ शायर आपका जो पसंदीदा शायर है वो कौन सा है? वाह, गुड क्वेश्चन। अच्छा, दो ये सवाल में मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, लिविंग और जो नहीं है, दोनों में से कोई। जो हमारे असातजा हैं उनमें से जनाबे हजरत मीर, मीर तकी मीर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अभी जो हमारे रिसेंट हैं उनमें जनाबे इफ्तिखार आरिफ, वाह वाह वाह, किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, जनाबे इफ्तिखार आरिफ बहुत पसंद है मुझे हमारे साथ। अली जी बहुत 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 शुक्रिया जनाब आपका, बहुत शुक्रिया। सर पहले तो तुहानू अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफों, इज्जत प्यार मोहब्बत, तुसी इत्थे आए हो एवं दिल कीता है तुहानू वेख के, कि मैं तुहानू दिल नाल कहां अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं तुहाडा नाम सर? मेरा नाम राणा इरफान। अच्छा, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ माशाल्लाह, और मैं हमेशा बच्चों से यही कहता रहा कि जहाँ भी आपको मौका मिले पाकिस्तान की खिदमत का, आप मौके को हाथ से जाने ना दें, फौरी तौर पर आगे बढ़कर आप वतन की खिदमत करें, और जहाँ बुराई का काम हो उसे आप सोच सोच के छोड़ ही दें। क्या बात। तो इसी सिलसिले में एक मामूली सा एक शेर है, इतना भी ना हो सहन के दर तक मैं पहुँच कर दर खोलूँ तो दरवेश दुआ गो ही चला जाए। शुक्रिया। कैसे हो, क्या नाम है? इफ्तिखार। इफ्तिखार क्या करते हो? पढ़ता हूँ, स्टूडेंट। किस क्लास में? ICS फर्स्ट ईयर। आओगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर से रिक्वेस्ट है कि नाजिश मैम के लिए एक शेर। यो जो बच्चा जिड्डा मर्जी बड़ा नुकसान कर देना अब मैं कुछ नहीं कहना। क्यों? मस्त एदी दवा ने सारा कुछ बना। बच्चा नहर च छाल मार के पानी पार दिंदा। जी जी जी। दो शेर हैं, वो और थे जो मिले बुजदिली की राह तुझे, वो और थे जो मिले बुजदिली की राह तुझे, सहूंगा जान पे है हुस्ने बेपनाह तुझे, ऐसों को मेरा शेर सुनाना नहीं बनता जो लोग तुझे देख के पागल नहीं होते। नाजिम साहब के लिए मैं भी एक शेर कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत। मेरी इजाजत सर, मैं क्या हाजिर ताबेदार सर, कहिए। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, 200 रुपये किलो आम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खाया दोपहर में बताओ ना? थोड़ा सा डिली भी लाया हूँ। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ नाम क्या है? किंजा। किंजा बेटा जूस पी है। और डब्बा दे दे ऐसी पटाका मार। जी क्या किस क्या पूछना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने इतने डिफरेंट करेक्टर किए हैं, आपको कौन सा ऐसा करेक्टर है जो काफी डिफिकल्ट लगा था? बहुत से लोगों को ये लगता है कि भोला मेरा मुश्किल किरदार था, लेकिन जब भोला आया तो मैं भोला हो गया। उसके बाद अपने आप को फिर कैरेक्टर एक्टर से निकालने के लिए, एक हीरो करने के लिए मेरा जो जोर रक्से बिस्मिल के मूसा पे लगा, वो शायद दोबारा कभी। क्या बात। दिखाएंगे, थोड़ा करके दिखाऊंगा। क्या डायलॉग सुनना चाहती है उसका? जी। यकतरफा मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती जोहरा, तुम जहां रहो खुश रहो बस यही दुआ है मूसा की। क्या सवाल। अब मेरे कहने पे भोले का भी एक चाहिए मुझे। आपके लिए चाहिए? हाँ, भोला भोला ना ना आजीश। तू तू बड़ी 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 तू तेज तू आगे तू 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 इस्लाम बाबा नुकड़ा चाहिए आगे कम पाट। मेरा क्वेश्चन मैम नाजिश से है, आपने इतने सारे ड्रामास किए हैं, उनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? सारे मुझे लगते हैं। मैं जो नाजिश भी वो टीवी वाले पूछ रही है। हाँ।
जो भी करके आती हूँ सारे मुझे अच्छे लगते हैं, मजे के लगते हैं। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राजेश, अल्लाह करे आप जिस तेजी से, जिस खूबसूरती से अपनी अदाकारी को मनवाती चली जा रही हैं, अगले आने वाले सालों में, बहुत से सालों में आपको मजीद अच्छे किरदार मिले, अच्छा तो आप उन्हें कर ही लेंगे क्योंकि आप अच्छा काम करती हैं। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली जान, आपसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ जफ्फी डालूंगा। क्या बात, और मौसीकी ना हो, मजाकरात हो, ऑन अली खान साहब हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोबारा मिलेंगे लेकिन इस खूबसूरत गाने के बाद। ऑन साहब आइए प्लीज। अरे लोगो, अरे लोगो तुम्हारा क्या, अरे लोगो, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं फिर हूँ